ओके ना, तो जब हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, देन इन दैट केस कुछ एक छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है ए जी प्लस। अगर ए जी प्लस को हम ए जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दैट मीन्स वी हैव टू एड वन इलेक्ट्रॉन टू इट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास है सी यू टू प्लस, तो उसको अगर हम कॉपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें उसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। और अगर हम बात करते हैं एफ ई थ्री प्लस की, तो इसके अंदर हमें तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे एफ ई में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? अब अगर मुझे एक मोल ए जी प्रोड्यूस करना है तो मुझे एक मोल इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो व्हाट डू थिंक वुड बी द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रॉन को काउंट तो कर नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन को काउंट करने का तरीका यही है कि हम उसके चार्ज की बात करें। सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बोलो। वन मोल चार्ज नहीं, वन चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? अगर आप वन मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हो तो इट इज गोइंग टू बी 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। दैट विल द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम इस चार्ज की बात करते हैं, चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, देन इन दैट केस दिस एक्चुअली कम्स आउट टू बी नियर अबाउट, इट्स कम्स आउट टू बी 96500 कूलम्स। हर्ड ऑफ दिस नंबर एवर बिफोर? क्या होता है ये? दिस इज वन फैराडे, ठीक है? ओके। तो अगर हम किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वन फैराडे चार्ज पास करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा या कुछ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिलीज हो जाएगा, इज दैट ओके? तो अब एक डेफिनेशन लिखिए, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, the amount of the substance deposited, the amount of the substance deposited or released the amount of the substance deposited or released when when one faraday when one faraday charge is passed through it when one faraday charge is passed through it is termed an equivalent is termed an equivalent of the substance is that clear ठीक है तो अगर हम वन फैराडे पास करते हैं चार्ज देन इन दैट केस अगर हम देखते हैं सिल्वर का तो एक मोल डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर का कितना मोल डिपॉजिट होगा
आधा एक कॉपर एटम के लिए मुझे दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक मोल कॉपर एटम के लिए मुझे दो फैराडे की जरूरत पड़ेगी, दो मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर एक फैराडे पास करूंगा देन इन दैट केस आई एम गोइंग टू गेट हाफ मोल ऑफ कॉपर, इज दैट क्लियर? और आयरन का कितना डिपॉजिट होगा? 1/3 मोल डिपॉजिट होगा, क्योंकि आयरन के लिए तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आयरन का वन इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी 1/3 ऑफ मोल, इज दैट ओके? तो अभी अभी हमने डेफिनेशन लिखी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इक्विवेलेंट? एन इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज व्हेन 1 फैराडे चार्ज इज पास थ्रू इट, और 1 फैराडे का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू इट। इज दैट क्लियर? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन यहां पर? ठीक है, एनी प्रॉब्लम सर? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज 1 फैराडे एंड दैट इज व्हाट वी हैव एज 1 इक्विवेलेंट। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 1 फैराडे की जगह 1 कूलम चार्ज पास करें तो 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 96500 अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। नाउ द अमाउंट डिपॉजिटेड और रिलीज व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की भी डेफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड व्हेन 1 कूलम्ब, व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड थ्रू इट, पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, लेट्स से व्हेन पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज टर्म्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब एक इक्विवेलेंट को हम नॉर्मली सीधा सीधा 1 EQ लिख देते हैं और एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम जनरली Z लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज 1 EQ एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज Z। तो EQ इज फॉर 1 फैराडे एंड Z इज फॉर 1 कूलम्ब, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि जैसे जैसे हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डालते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से ज्यादा रिलीज होता चला जाएगा, मोर अमाउंट इज गोइंग टू बी रिलीज जैसे जैसे हम चार्ज पास करेंगे। तो एक सीधी सी बात यह है कि द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड और रिलीज इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज वी पास। जितना ज्यादा चार्ज हम पास करते चले जाएंगे वो अमाउंट उतना ज्यादा रिलीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इज दैट क्लियर? ठीक
ठीक है, दैट इज वॉट वी हैव एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज, और ये हमारे पास चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अमाउंट को एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एम इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वेयर क्यू इज द चार्ज। ठीक है, मोस्ट ऑफन हम चार्ज को आई टी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट इंटू टाइम से। तो हम लिख सकते हैं एम इज प्रोपोर्शनल टू आई टी। ठीक है, अब एक सीधी सी बात है, आई टी इज द टोटल चार्ज इन कूलम, वेयर टी इज द टाइम इन सेकंड्स, आई इज द करंट इन एम्पियर्स, तो दिस बिकम्स द टोटल चार्ज इन कूलम्स। तो अगर मैं दो कूलम पास करूंगा तो टू आई टी हो जाएगा, एक कूलम पास करूंगा तो वन आई टी हो जाएगा। अब सीधी सी बात यह है कि दिस इज गोइंग टू बी सिंपली एम इज इक्वल टू द चार्ज, द अमाउंट डिपॉजिटेड पर कूलम, दैट इज जेड आई। Z इज द अमाउंट, अभी तो लिखा है वन कूलम के लिए, तो वन कूलम के लिए जितना डिपॉजिट होना चाहिए ये Z है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज वॉट वी हैव एज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हम इन सब के अंदर से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर देते हैं, वी पास द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ईच ऑफ देम। ठीक है, अगर इन सब के अंदर से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं, लेट अस से वी पास द चार्ज ऑफ आई टी थ्रू ईच ऑफ देम, तो लेट्स से इसका अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो एम वन हो जाता है, इसका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो एम टू हो जाता है, इसका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो एम थ्री हो जाता है। क्लियर? नाउ दिस एम वन विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट इनटू आईटी, दिस इज गोइंग टू बी जेड टू इनटू आईटी, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जेड थ्री इनटू आईटी। कोई दिक्कत? चार्ज तो तीनों में बराबर है। ओके, तो इट इज going to be this one. अब Z1 क्या है? That Z1 is going to be equivalent of the first divided by 96500. भाई one equivalent is for 96500 coulombs. तो एक कूलम के लिए अगर मैं equivalent को इससे divide कर देता हूं, एक कूलम के लिए आ जाएगा into IT. This is going to be equal to equivalent of the second by 96500 IT, and this is going to be equivalent of this divided by 96500 IT. Any confusions? कोई problems? ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं इनका रेशियो ले लेता हूं, यानी कि आई टेक द रेशियो ऑफ एम वन इज टू एम टू इज टू एम थ्री, तो दिस रेशियो विल बी नथिंग बट जेड वन इज टू जेड टू इज टू जेड थ्री। ठीक है, क्योंकि आईटी तो कॉमन है सब में, क्लियर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ द फर्स्ट, इक्विवेलेंट ऑफ द सेकंड, इक्विवेलेंट ऑफ द थर्ड। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलिए लेट्स राइट द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Faraday's second law of electrolysis. If same charge is passed through, if same charge is passed through different electrolytes, if same charge is passed through different electrolytes, then the ratio of then the ratio of the masses then the ratio of the masses of the different substances
deposited or released. Deposited or released is the same as the ratio of their electrochemical equivalence, which in turn, is the same as, the ratio of their equivalence. ठीक है, ये क्या लिखा है आपने, लास्ट वर्ड इक्विवेलेंस, ट इक्विवेलेंस. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, अब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू फिनिश द चैप्टर. अब सबसे पहले हम एक और चीज की बात करते हैं, एक कहलाती है चीज कूलोमीटर. कूलोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट और द डिवाइस विच वॉज यूज टू मेजर द चार्ज. कूलोमीटर इज द डिवाइस और द इंस्ट्रूमेंट विच वॉज यूज टू मेजर द चार्ज. क्लियर? ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द कूलोमीटर इज एंड व्हाट इट डज. हाँ, अभी मैं बता देता हूं कि पहले यूज क्यों होता था, अब क्यों यूज नहीं होता. मैं दोनों चीजें बता देता हूं. देखो, कूलोमीटर इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो जितना चार्ज आप पास करते चल जाओगे उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा. अब कूलोमीटर में क्या होता है, वी हैव अ कंटेनर, ओके, अ ग्लास कंटेनर, वॉट एवर इट माइट बी. इस कंटेनर में हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है. देयर इज अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हियर. यहां पर हमारे पास एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, यहां पर हमारे पास दूसरा सिल्वर इलेक्ट्रोड है. दोनों सिल्वर इलेक्ट्रोड्स हैं. क्लियर? अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको पता ना हो. जब हम एक सर्किट लेते हैं और सर्किट के अंदर चार्ज पास करते हैं तो सीरीज में सेम करंट पास करता है. इज इट क्लियर? सीरीज में एक सेम करंट पास करता है. फाइन, तो अब यहां पर उन्होंने वो क्या करते हैं कि जैसे हमने पूरा एक सर्किट बनाया, उस सर्किट बनाने के बाद इस कूलोमीटर को, ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत छोटा सा, इसको उसमें सीरीज में लगा देंगे. तो जो भी टोटल चार्ज पूरे सिस्टम के थ्रू पास कर रहा है वही चार्ज इसके थ्रू पास करेगा. अब लेट अस से दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. इज इट क्लियर? तो आप क्या करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले दोनों रॉड्स ली और दोनों रॉड्स को अलग अलग वे कर लेंगे. बोथ द रॉड्स आर वेट सेपरेटली, दोनों का मास अलग अलग आ जाएगा. ओके, नाउ दे वुड पुट द रॉड्स हियर, पुट इट इन द सर्किट एंड स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड है, दीज आर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स. Is that clear? So these are reactive electrodes. So reactive electrodes में क्या होगा कि यहां से silver निकल के यहां deposit हो जाएगा. So Ag plus is going to move from the positive terminal into the solution, and this silver is going to deposit on the negative terminal. तो पॉजिटिव टर्मिनल का मास कम होता चला जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल का मास बढ़ता चला जाएगा. एक्सपेरिमेंट होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है. उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो हमने क्या किया, दोनों रॉड्स को अलग अलग निकाला और अलग अलग निकाल के इनको दोबारा वे कर लिया अलग से. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी डिक्रीज इन मास ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल का इंक्रीज इन मास एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए.
ठीक है। अब मैं चाहिए इसलिए बोल रहा हूं कि होता यह है कि हमारा जो वेइंग बैलेंस है उसके अंदर भी एक लीस्ट काउंट होती है, तो वो एग्जैक्टली वैल्यू मेजर नहीं कर पाता, तो इस वजह से छोटा सा एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर आता ही आता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का मास का डिफरेंस निकाल लेते हैं। आइडियली तो एक का निकाल लो वही बहुत है, लेकिन हम दोनों का मास डिफरेंस निकाल लेते हैं, और दोनों का मास डिफरेंस निकालने के बाद वी टेक इट्स मास का एवरेज, दोनों की मास का एवरेज निकाल लेते हैं, एंड दैट गिव्स अस कि कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, डिपॉजिट और रिलीज्ड। अब हमें पता है सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना है। अब सिल्वर के इक्विवेलेंट मास से हम चार्ज निकाल लेंगे। इज दिस क्लियर? सो दैट इज हाउ कूलोमीटर वर्क्स। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिख लिया जाए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। ऑब्वियसली मैंने आज तक तुम्हें कोई इजी क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन होने के बाद पता चलता है इसमें डिफिकल्ट क्या था पता ही नहीं। ठीक है, तो एक इजी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से करना। ठीक है, लिखिए, अ चार्ज विच डिपॉजिट्स A charge which deposits 1.08 grams. A charge which deposits 1.08 grams of silver in a silver coulometer. Is passed through a solution of copper sulfate. A solution of copper sulfate using platinum electrodes. Full stop. Calculate the mass of copper deposited and the volume of gases released at 273 Kelvin, 1 atmosphere. बेटा यहां पर तुम्हें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि अगर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करके कॉपर सल्फेट के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो डिपॉजिट होगा क्या, रिलीज क्या होगा। दैट वी हैव ऑलरेडी डन, तो वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा। यानी कि तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, वंस यू फाइंड इट, आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी गैस रिलीज होगी, आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ओके, यू हैव डन दैट। अगर वो करने के बाद Now what you are going to do is you are going to check kitna volume of gas hai, kitna mass of copper hai, and you are going to use this, the second law of electrolysis. Answer aa jayega. Answer nikal. हमने सिल्वर कूलोमीटर को सीरीज में लगा रखा है ना। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन कुछ लिखना चाहो लिख लो। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108,
कॉपर इज 63.5, हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16. देखो बेटा, आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, ठीक है? इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं एम वन डिवाइडेड बाय ई क्यू वन, ठीक है? नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. अब मजेदार बात यह है कि जितने भी सब्सटेंस डिपॉजिट या रिलीज होंगे उन सबके इक्विवेलेंस बराबर होंगे, क्योंकि हमने सबके अंदर सेम चार्ज पास किया है ना, तो इक्विवेलेंट्स तो बराबर होंगे ना सबके, ठीक है? तो एम वन बाय ई क्यू वन विल बी इक्वल टू एम टू बाय ई क्यू टू, ठीक है? अब यहां पर ये मास हो सकता है ऊपर डिनोमिनेटर में, तो नीचे इक्विवेलेंट मास होगा. ऊपर अगर मोल्स है तो नीचे इक्विवेलेंट मोल्स में होगा. अगर ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे वॉल्यूम हो जाएगा. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी डायमेंशन से, टिल द टाइम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम डायमेंशन. इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हम तीसरा ले सकते हैं v डिवाइडेड बाय v इक्विवेलेंट, ठीक है? आपको m1 और eq1 दे रखा है, ये सिल्वर का है. आपको m2 निकालना है और eq2 आपको दे रखा है, ये कॉपर का है. ये v और v इक्विवेलेंट आपको गैस का निकालना है, ठीक है? और गैस पहले आइडेंटिफाई करो गैस कौन सी है, और उसके बाद डिसाइड करोगे कि उसका इक्विवेलेंट क्या होगा. हां जी प्रेरणा, क्या हुआ, किस चीज का इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने? AgNO3 का तो छोड़ दो, तो वो तो किलोमीटर है, उसका तो प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया. किया किसका इलेक्ट्रोलिसिस है? कॉपर सल्फेट, पूरा बोला करो, आधा नहीं. ओके, अगर हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स? प्रेरणा क्वेश्चन क्या है? मैंने अभी क्या पूछा है, अभी क्या पूछा है, ऑफ, अरे प्रोडक्ट ऑफ क्या, किस चीज का प्रोडक्ट? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ओके, इलेक्ट्रोलिसिस करके, सीयूएसओ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या मिलेगा? आप मुझे बोल रहे सीयू टू प्लस एंड एसओ फोर टू माइनस. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सीयू टू प्लस एंड एसओ फोर टू माइनस द मोमेंट वी डिजॉल्व इट इन वॉटर मिल जाता है. उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत थोड़ी ना है. तुम मुझे प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएशन दे रहे हो, डिसोसिएशन थोड़ी ना पूछा मैंने, क्या हुआ? आपको लगता है सोडियम क्लोराइड को सोडियम प्लस और सीएल माइनस में ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है क्या? डिसॉल्व करते ही ब्रेक हो जाता है. इज दैट क्लियर? अब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? पेज पलटो, आंसर लिखा हुआ है. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सीयू क्या बनेगा? क्या बताओ ना आंसर. आपने लिखा है ना, मुझे बताओ ना क्या बनेगा.
ये तो आपकी हैंड राइटिंग है, आपको तो समझ आना चाहिए क्या लिखा है आपने। वॉट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर? क्या कह रहे हो, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड थोड़ी ना इसमें। हाँ जी, क्या हुआ? अरे प्रॉपर्टी गई तेल लेने, मुझे ये बताओ बनेगा क्या। हाँ अच्छा, कैसे निकाला आपने? यहाँ पे एच प्लस और ओ टू निकाले आपने? प्रेरणा, कम से कम जो लिखा है आपने वो तो बता दो मुझे, सामने आंसर लिखा हुआ है, उसे पढ़ के तो बता दो क्या बनेगा। तो सी यू बनेगा ना, टू प्लस क्यों लिख रहे हो उसके ऊपर, बोल क्यों रहे हो? सी यू बनेगा ना, और क्या बनेगा? ओ टू बनेगा ना, अब बचेगा क्या सिस्टम में? समझ आ रही है बात? तो प्रॉब्लम क्या थी इसमें? प्लैटिनम के अंदर मतलब एस प्लस डिसॉल्व होता है वो वाला। बेटा जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, दैट इज फॉर द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो इट इज टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर दैट, ठीक है? एंड कॉपर इज रिलीज्ड बिफोर हाइड्रोजन। पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बना रखी है ना, उसी के बेसिस पे हमने ये किया है ना। फ्रेंड आपने रिवाइज क्यों नहीं किया ये चैप्टर? लग तो नहीं रहा भैया, अगर रिवाइज करने के बाद आप अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे हो तो हाउ डू आई एक्सपेक्ट कि तुमने रिवाइज किया है? अगर तुमने रिवाइज किया है तो एटलीस्ट तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि तुमने क्या लिखा है। चलो मैं, अगर तुमसे मैंने कहा पेज पलटो, पेज पलट के तो तुम बता सको मुझे कि क्या किया है तुमने, क्या हुआ? एंड यू से यू रिवाइज्ड, कैसे रिवाइज किया आपने? आपको तो यही नहीं पता चल रहा है यहां पे लिखा क्या। ओके, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, तो क्या बनता है? कॉपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है? अब कॉपर के रिलीज और ऑक्सीजन के रिलीज दोनों का रिएक्शन लिख सकते हो? लिखो, इन दोनों का रिएक्शन नहीं, ये वाला रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन, ठीक है? तभी तो आप ये पता कर पाओगे कि इनका इक्विवेलेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन चेंज पता चलेगा तभी तो बताओगे। कॉपर का इक्विवेलेंट कितना होगा? वन बाय टू ऑफ मोल, ठीक है? और ऑक्सीजन का कितना होगा? देखो बेटा, पहले इक्वेशन लिख लेगा, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? टू माइनस, ठीक है? लिखो उसके ऊपर टू माइनस, ये देगा क्या? हाँ, क्या देगा ये? मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो करो, अगर आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करना नहीं जरूरी। अरे देवी, चार्ज का बैलेंस है, चार्ज तो देख लो एक बार। ठीक है, ओके इसका मतलब जी, तो वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज, मतलब
वन बाय फोर मोल, ठीक है ओके। अब आंसर सॉल्व करो, क्या? अरे यार अभी तो सॉल्व किया तुमने, कॉपर का चार्ज कितना है? भाई कॉपर का चार्ज कितना है? 2+ का है, इसलिए उसका इक्विवेलेंट 1/2 आ रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी लो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? ये एम किस यूनिट में है? तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? आपने मोल कैसे ले लिया? You have to take the same dimensions, isn't it? So one mole is 63.5 grams. So one equivalent will be 63.5 divided by 2. नहीं है बेटा, कॉपर इज 63.5, 16. मुझे नहीं पता, कॉपर इज 63.5। हाँ तुमने 11th में कहीं केमिस्ट्री पढ़ी थी? किस जगह पड़ी थी? लेकिन फिर भी अभी भी उनके पास भीड़ है। हाय गॉड, सुनो एक मिनट, सुनो, यहां पे इक्वेशन सामने लिखी हुई है, तो जिसका M1 है उसी का Z1 है ना, और उसी का EQ1 है। रुको जाओ, रुको जाओ, ठीक है ओके। अब तुम्हें M1 किसका लेना है ये बताओ। ले लो कॉपर, ये मास जो लेते हैं हम गिवन होता है, फिर M1 इज द मास विच इज डिपॉजिटेड। ठीक है, आपने पता है क्या किया है? जो दिया हुआ उसको भूल गए, तो छोड़ो ये तो पता है। अरे जो पता है उसी से निकालोगे ना, तो पहले सिल्वर का रेशियो लोगे, तभी तो उसको कॉपर के साथ इक्वेट करोगे। रुको एक मिनट, एक मिनट, सुनो, इक्विवेलेंट क्या होता है? The amount of substance deposited or released when one Faraday charge is passed through it. ठीक है, वर्ड क्या लिखा है? अमाउंट, मास लिखा है? नहीं, वॉल्यूम भी तो हो सकता है, मास भी हो सकता है, मोल भी हो सकता है, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके। हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, एक इलेक्ट्रोलिसिस क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ,
उसमें सिल्वर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया कॉपर सल्फेट का, वो दूसरे कंटेनर में है। इंपॉर्टेंट बात ये कि जितना सिल्वर में चार्ज पास कर रहा है वो कॉपर सल्फेट में भी वही चार्ज पास कर रहा है, इज दैट क्लियर? तो चार्ज इज द सेम। अब हमारे पास तीन चीजें हैं जो रिलीज हो रही हैं, ठीक है। पहले में M1 सिल्वर, M2 कॉपर, M3 ऑक्सीजन। समझ आई ये बात? तुम्हें क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना समझ में आया? सबसे पहले तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बनाना है ना, एंड दीज आर थ्री प्रोडक्ट, सिल्वर कॉपर एंड ऑक्सीजन, गॉट इट? अब सेकेंड स्टेप, हमें इस इक्वेशन को यूज करने के लिए M1 चाहिए, EQ1 चाहिए, M2 चाहिए, EQ टाइप चाहिए, V चाहिए और V इक्विवेलेंट चाहिए, चाहिए ना? ओके, तो पहले हम सिल्वर कॉपर और ऑक्सीजन तीनों के इक्विवेलेंट निकालेंगे तभी तो पुट कर पाएंगे, ठीक है। अब सिल्वर की वैलेंसी कितनी है? ऊपर एक, तो वन फैराडे से कितना सिल्वर रिलीज होगा? वन मोल, ठीक है, मोलर मास दे रखा है, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट हो गया 108 ग्राम्स। साइड में रख दो, सिल्वर का इक्विवेलेंट मिल गया मुझे, EQ1 मिल गया, ठीक है। अब मुझे कॉपर का इक्विवेलेंट निकालना है, कॉपर चार्ज कितना है? 2+, तो एक फैराडे चार्ज से कॉपर कितना रिलीज होगा? 1/2 मोल, मोलर मास दे रखा है 63.5, तो कॉपर का इक्विवेलेंट कितना है? 63.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके क्लियर? ओके, नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? 2-, अगर मैं उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है? हाफ O2 प्रोड्यूस होता है, आधा मोल प्रोड्यूस होता है, पक्का ना? एब्सोल्युटली क्लियर? अब आधा मोल प्रोड्यूस होता है तो दो इलेक्ट्रॉन से आधा मोल ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यानी कि दो फैराडे से आधा मोल ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो एक फैराडे से 1/4 मोल ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है, पक्का? सो वन फैराडे रिलीजेस 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है? 22.4 लीटर्स। अरे यार, वॉल्यूम मास नहीं, 22.4 लीटर्स, एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है, एक फैराडे से कितने मोल निकलते हैं? 1/4, तो कितनी वॉल्यूम निकलेगी? 22.4/4, ये आ गई इक्विवेलेंट वॉल्यूम। डिनोमिनेटर तीनों मिल गए, ठीक है, आपको M1 दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, M1 दे रखा है हमें बस, अब उससे M2 और V1 निकल, V निकल सकता है या नहीं निकल सकता? निकल सकता है ना, पक्का 100%? अब ये जो मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने तुम्हें लिखवाया नहीं ना, ये पूरा लिखो, एक एक स्टेप लिख देना, कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, हर डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने तुम्हें बताया, क्या बताया मैंने तुम्हें, रुक जाओ, सबसे पहली चीज, द सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन द रिएक्शन, वन सिल्वर, सेकेंड कॉपर, थर्ड ऑक्सीजन, ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर दे दिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर वो भी कैलकुलेट करके दिखाओगे, सिल्वर Ag प्लस गिव्स, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag, सो वन फैराडे वुड रिलीज वन मोल ऑफ Ag, एंड दैट इज व्हाई द वन मोल ऑफ Ag इज वन इक्विवेलेंट, दैट इज 108 ग्राम्स। ये लिख दिया सिल्वर के बारे में कंप्लीट। फिर कॉपर Cu2+, प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu, टू फैराडे गिव वन मोल ऑफ कॉपर, सो वन फैराडे गिव्स हाफ मोल ऑफ कॉपर, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर विल बी मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के लिए लिखोगे O2- gives 1/2 O2, ठीक है, ओके, दैट इज हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, टू फैराडे गिव हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, वन फैराडे विल गिव 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 22.4 लीटर, सो 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 22.4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 5.6 लीटर, सो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 5.6 लीटर, आ गया, ये मिल गया मुझे, ठीक है। Now, mass of silver deposited, दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, वो वैल्यू यहां पुट करो, पहले एक को इक्वेट करो फिर दूसरे को इक्वेट करो, आंसर आ गया। समझ आई बात? ये पूरा क्लियर हुआ कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप,
ठीक है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया तो ये सब लिख कर आना पड़ेगा, सीधा आंसर निकाल के काम नहीं चलेगा। और ये जो मैंने तुम्हें मेथड बताया है, हर क्वेश्चन में यही सोचोगे, छलांग मारी ना टांगे तोड़ दूंगा। समझ आई बात? एक एक स्टेप लिखो। अब समझा दिया ना, पक्का कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? एक भी लाइन बीच में मिस कर दी ना, पूरा दोबारा लिखवा दूंगा। सोच लो, सोचना है तो। द अमाउंट ऑफ और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 1 फैराडे चार्ज इज पास्ड। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 1 फैराडे चार्ज इज पास्ड।
1 7 1 7 आ गया आंसर पूरा। कॉपर का गिवन मास तो निकालना है ना। चलो, यदि आपको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का इतना ही शौक है तो एक और क्वेश्चन ले लो। क्या ये वाला क्वेश्चन? ये बोर्ड लेवल का भी नहीं है, आईआईटी का है। बेटा देखो, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं थी कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये थी कि तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं दे ही देता हूं। ठीक है, लिखो। वन एम्पियर करंट इज पास थ्रू, वन एम्पेयर करंट इज पास्ड थ्रू 500 मिलीलीटर जीरो पॉइंट वन मोलर 500 मिलीलीटर जीरो पॉइंट वन मोलर निकल सल्फेट NiSO4 सॉल्यूशन फॉर 16 मिनट्स 5 सेकेंड्स यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्लियर, फुल स्टॉप। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट of electrolysis, predict the product of electrolysis, full stop. What will be the concentration of Ni2 plus solution? What will be the concentration of Ni2 plus solution after electrolysis? आराम से पढ़ो क्वेश्चन को एंड सॉल्व इट।
एक अजीब सी बात बताऊं, बहुत अजीब सी बात, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना वो उतना इजी होता है, और इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें आंसर दिया हुआ है अगर देख सको तो। और मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा करने के चक्कर में इसे इजी बना दिया है। नाइन सिक्सटी फाइव सेकेंड्स। देखो टी इज इक्वल टू 965 सेकेंड्स, ठीक है, यही कर रहे हो ना। ओके, करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू 965 कूलम्स, ठीक है। ओके, हमारे पास निकल 2+ है, NiSO4 है, निकल 2+ है, ठीक है। 2 फाराडे रिलीज 1 मोल Ni2+, 2 फाराडे रिलीज 1 मोल ऑफ Ni2+। कोई रिलीज प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ओके, सो 2 × 96500 कूलम वुड रिलीज 1 मोल Ni2+, 965 कूलम वुड रिलीज 1 / 2 × 96500 मल्टीप्लाइड बाय 965 मोल। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, सो दैट वुड टर्न आउट टू बी 965, और 965 कट गया, सीधा ही आ जाएगा 1/200, एंड दैट वुड बी 0.005 मोल। कोई दिक्कत? 1 मिनट, 0.005 की जगह 0.30 होने चाहिए ना। तीन जीरो होने चाहिए ना। ओके, ठीक है, तो 1/100 से 0.001 हो जाएगा। नहीं, दो ही जीरो, तीन नहीं है। 1/100 इज 0.01, बाय टू 1.005, दो जीरो ही है, ठीक है। ओके, मेरा मैथ्स कमजोर है, मैं पहले, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। इज दैट क्लियर? तो दिस मैनी मोल ऑफ निकल डिपॉजिटेड, इज दैट क्लियर? ठीक है ना। ओके फाइन, अब हमें निकालना है कि Ni2+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी। ओके, मोलारिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम हमें दे रखी है, तो अब हमारे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ Ni2+ इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। मोलारिटी इज इक्वल टू 0.1, वॉल्यूम इज 500 बाय 1000, 0.05, 0.1 × 0.5 है ना, एनी कंफ्यूजन? ओके, तो मोल्स ऑफ Ni2+ रिमेनिंग इन सॉल्यूशन, भाई इतना था
इतना डिपॉजिट हो गया तो बचा कितना, 0.05 माइनस 0.005 मोल, ठीक है, ये सॉल्यूशन में बच गया। अब हमें निकालनी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, द मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एन आई टू प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ एन आई टू प्लस विल बी इक्वल टू मोल्स रिमेनिंग, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। क्या आंसर आ रहा है, अच्छा सॉल्व करेगा इसको कैलकुलेटर से, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम इसमें, पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन इस कैलकुलेशन में, कोई प्रॉब्लम, कोई गलती, कहीं कुछ गलत है इसमें, ठीक है ना, ये पूरा कैलकुलेशन गलत है, ये पूरा कैलकुलेशन गलत है, ये जो भी किया हुआ यहां पे सब लिखा हुआ है, ये बकवास है, प्योर 100% बकवास, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या हुआ, क्या ना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरा बकवास है, ये आंसर गलत है, कोई यूनिट की खराबी नहीं है और इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, इस पूरे में कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, गलती पता कहां है, कंसेप्ट की, कंसेप्ट ही गलत लगा है, कंसेप्ट ही गलत है ना, पहली जो लाइन लिखी है ना, पहली लाइन वही गलत है, वही गलत लिखा है, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या था पहला, डिड यू प्रिडिक्ट इट, क्यों क्यों नहीं प्रिडिक्ट किए क्या, हाँ होगा, सब कुछ होता है,
What are the product of electrolysis? इलेक्ट्रोड किस चीज के बने हैं? निकल के. निकल के अगर इलेक्ट्रोड होंगे तो डिपॉजिट क्या होगा? निकल. अब ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक साइड से निकल कंज्यूम होगा, दूसरी साइड डिपॉजिट होगा, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा. जस्ट निकल एक साइड से डिपॉजिट, एक साइड से रिलीज हुआ, दूसरी साइड डिपॉजिट हुआ. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? निकल मूव फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर. ठीक है, सॉल्यूशन में क्या चेंज आएगा? कुछ भी नहीं. देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स 0.1 मोलर. ये क्वेश्चन लिखते ही खत्म हो गया था. पेन उठाने की जरूरत कहां थी इस क्वेश्चन में? ये पहली लाइन लिखने की भी जरूरत कहां थी इस क्वेश्चन में? तुमसे किसी ने ये तो नहीं पूछा हाउ मच निकल इज डिपॉजिटेड? नहीं पूछा ना तुमसे? इलेक्ट्रोड का मास तो नहीं पूछा ना किसी ने? तुमसे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है ना? और ये तुम अच्छी तरह लिख चुके हो ना कि अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज. और ये बोला था मैंने, इस क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है. जानते हो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ये एम्स में आया है क्वेश्चन. जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें ये नहीं पूछा गया था व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें सीधा सा पूछा था व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिटल सॉल्यूशन. मैंने तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछ के आंसर बता दिया था. अगर तुमने सोचा होता कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, क्वेश्चन वहीं खत्म था. यहां से डिपॉजिट, यहां से निकला और यहां डिपॉजिट हुआ. कॉपर सल्फेट का बताया था, मजेदार बात आज ही की क्लास में सिल्वर नाइट्रेट का बताया था. रिएक्टिव इलेक्ट्रोड सिल्वर सिल्वर सिल्वर, तीनों जगह सिल्वर है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी. यहां पर निकल 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 था. जीरो पॉइंट वन वुड रिमेन द कॉन्सेंट्रेशन भाई, बाकी कैलकुलेशन में कोई गलती थोड़ी ना है. समझे? ये कैलकुलेशन पता है कब होती है? अगर यहां निकल इलेक्ट्रोड की जगह प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, तब ये कैलकुलेशन सही है. जानते हो इस कैलकुलेशन की सबसे गंदी प्रॉब्लम क्या है? सबसे गंदी प्रॉब्लम इस कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन ना तो बहुत ईजी है और ना ही बहुत डिफिकल्ट है. अगर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को तो वो छोड़ देता है, बहुत इजी लगता है तो उसको शक हो जाता है. लेकिन यहां पे शक भी नहीं होगा, प्रॉपर मेथड से चल रहा है. ट्रिक्स भी दिख रही हैं इसमें. ओहो मजे ले रहे हो, निकल टू प्लस है, निकल प्लस वन नहीं है, निकल टू प्लस है. तो थोड़ा सा ट्विस्ट भी डाला हुआ है, सारा ट्विस्ट बकवास है. सिर्फ एक लाइन में था, यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स. एन आई प्लस कहां है भाई? एन आई टू प्लस है. मैंने कहा था एन आई टू प्लस है, एन आई प्लस नहीं है. मतलब कि उसका इक्विवेलेंट हाफ मोल है, वन मोल नहीं है. तो वो भी एक छोटा सा ट्विस्ट होता है. ठीक है, लोग देखो
हर क्वेश्चन में जब स्टूडेंट करता है ना, तो एग्जामिनर स्पेसिफिकली पॉइंट्स डालता है, यहां गलती करेगा, यहां गलती करेगा, यहां गलती करेगा। जिस क्वेश्चन में जितने पॉइंट, जितने वो नोट्स आ जाती हैं, जहां जहां गलती हो सकती है, वो क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट होता चला जाता है। क्वेश्चन डजंट बिकम डिफिकल्ट बाय द कैलकुलेशन, क्वेश्चन डजंट बिकम डिफिकल्ट बाय द लेंथ, क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट बाय द पोजिशंस वेयर द सिली मिस्टेक कैन बी मेड। तुम उसे सिली मिस्टेक कहते हो, एग्जामिनर तुमसे सिली मिस्टेक करवाता है। ठीक है? और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक नोड नहीं, पूरा गड्ढा था, एक बस, दो नहीं थे, एक ही था। और मजेदार बात, मैंने उस गड्ढे पे पुल दे दिया था तुम्हें। क्या हुआ? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, खुद एनसीईआरटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? अब बताओ फर्स्ट टू का आंसर। बनेगा, एक सिल्वर साइड कंज्यूम होगा, दूसरे पे डिपॉजिट होगा। लिखोगे तो सही, तुम खाली थोड़ी ना छोड़ोगे। नथिंग हैपन्स, हैपन तो हो रहा है ना, और दूसरे में क्या होगा? हाँ करो ना, इसे क्यों नहीं आता?